यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। रविवार को नाव जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा कर बीजेपी के लिए वोट मांगे। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया देखने को मिला। दरअसल मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए उन्नाव बीजेपी के जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार ने उन्हें भगवान राम की प्रतिमा भेंट की और उनके पैर छुए। इस पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को फौरन टोका और इशारे से साफ जता दिया कि वो नहीं चाहते कि इस तरह कोई उनके पैर छुए। इसके बाद पीएम मोदी ने खुद कटियार के पैर छू लिए। प्रधानमंत्री मोदी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। कई लोग इसे प्रधानमंत्री मोदी की सादगी बताते हुए शेयर कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने इसकी वजह भी बताई है। मोदी ने क्यों छुए बीजेपी जिला अध्यक्ष के पैर? कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं को सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए जब जिलाध्यक्ष ने उनके पैर छुए तो पीएम मोदी ने उन्हें टोकते हुए उलटकर उनके पैर छू लिए। वहीं इसकी एक दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि भगवान श्री राम की प्रतिमा भेंट करने वाले से पैर छुआए नहीं जाते बल्कि उनके पैर छुए जाते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया। बहरहाल वजह चाहे जो हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के कई प्रसंग पहले भी सामने आ चुके हैं। बीजेपी नेता अरुण यादव ने सबसे पहले ये वीडियो ट्विटर पर साझा किया था। उन्होंने लिखा कि एक कार्यकर्ता के पैर केवल मोदी जी ही छू सकते हैं, वजह यह है कि श्रीराम की मूर्ति देने वाले से खुद के पैर नहीं छुआ सकते। ये वीडियो अब तक लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोग इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।